अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारी बेटी को जान को खतरा है बेटा, भारी हमला होने वाला है उस पर, जानलेवा हमला। जा, जाकर बचा ले उसे। रुपए पैसे छोड़, जा, जा करके उसकी नजर होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, किससे जा खतरा उसको, कौन है दुश्मन उसका? बेटा इन सब बातों में समय व्यर्थ मत करो, जा जल्दी, आज सूर्यास्त से पहले का समय बहुत भारी है तेरी बेटी के लिए। रानी, बिटिया, उठ, आँख खोल बेटा, कितना खून निकल रहा है रानी, बेटा, रानी, खून कैसा? पागल बुढ़िया, ये क्या कर दिया तूने? मार दिया मेरी बच्ची को। रानी, ए रानी, ए, ए बिटिया, रानी उठ जा, रानी उठ। मेरी बिटिया, ये तो चकूर भैया वाला चाकू है ना, ये तो ढैचू 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 वाला चाकू है, वो झूठ मूठ का मारने वाला। अरे खड़े होने देख क्या रहे हो, गाड़ी निकालो, डॉक्टर के पास जाना है। जल्दी सही, बापू बुआ ने तो मुझे लाके दिया था। हाँ। इसमें से देखो खून भी निकलता है, देखो। हम पहले भी तो खेलते थे ना इससे, आज क्यों डर गया पापू? पता नहीं, मुझको ऐसे देखा तो मेरी जान हलक में आ गई। दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा। ठीक है पापू। ये चखो, फेंक इसका बात, फेंक। अब मेरी क्या गलती है, वो तो सब बड़ी मालकिन ने किया है। बड़ी मालकिन, मुझको क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, लेकिन आप ऐसे बच्चों के समान। मुझे पता है,
उन्होंने क्यों किया ऐसा? मैंने पूरे रास्ते इनको सवाल पूछ पूछ के बहुत सताया ना, इसलिए मुझे डरा रही थी ताकि मैं जाते टाइम चुपचाप बैठूं, है ना परी की दादी? पर आपका प्लान तो फेल हो गया, मैं तो डरी नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। परी बेटा ये सब क्या है? आपने जान निकाल दी पापा की। आपको पता है पापा कितना प्यार करते हैं आपसे? ये कैसा मजाक है? और आपको भी पता ना कि हम गुड़िया से कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपने दादी के साथ जाने दिया उसे। पता है हम कितना बोर हो रहे थे? टाइगर भैया ने हमारा मूड ठीक करने के लिए हमको पेंटिंग करवा रहे थे। कितना अच्छा बनाया है ना हमने, इसका हम वॉल पे हैंग करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है आपका दिवाली गिफ्ट। इसको बनाते बनाते गलती से थोड़ा सा कलर हमारे ऊपर गिर गया, तो हमने और टाइगर भैया ने सोचा क्यों ना हम सबके साथ प्रैंक करें। आपके प्रैंक ने पापा की जान निकाल दी थी, पता है आपको? ऐसे प्रैंक कौन करता है बेटा? आप भी ना बहन जी। अरे वो मजाक कर रही थी लेकिन आपने तो बहुत डरा दिया हमें। अरे बच्चे हैं, मस्ती करते हैं, यही तो उम्र है उनकी, और मस्ती करते करते बच्चों को चोट भी लग जाती है, बहुत नॉर्मल है ना। तुम्हारी बेटी को जान को खतरा है बेटा, भारी हमला होने वाला है उस पर, जानलेवा हमला। हो गया तुम्हारा मेल मिलाप बापू बुआ भाई बहन मिलनी सबसे, तो हम गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। ए रानी, ये बड़ी मालकिन क्या हमेशा ऐसे कटखानी रहती है? जब देखो तब नोचने को तैयार। क्या हुआ बुआ, हमको क्या लेना? हमें क्या है? बापू आप अपना ध्यान रखना हा? अब हमको जल्दी निकलना है, बड़ी मालकिन का कुछ काम भी बाकी है ना, और अंधेरा होने से पहले हमको हवेली भी तो पहुँचना है। मेरी बच्ची, तुझको हवेली में भी जे लोग ऐसे ही परेशान करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं पापू, वहाँ तो मैं एकदम मजा करती हूँ। परी, टाइगर भैया, मालकिन, ये सब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर ये परी की दादी और मालिक थोड़े खड़ूस हैं, पर मुझे अब इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो। कौन हुआ पापू, हम तो कितने अच्छे पापू हो, मुझे इतना सारा प्यार करते हो, आप है ना, मैं टेंशन बिल्कुल भी मत लो। राम जी है ना मेरे साथ, आप देखना मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ूंगी और सबके दिल भी जीत लूंगी, बस थोड़ा टाइम चाहिए, समझ लो वो भी मेरा परिवार है और मैं भी उसी घर की बेटी हूँ। तेरे जैसी बिटिया ना नसीब वालों को मिलती है। तुम्हारी बेटी को जान को खतरा है बेटा, भारी हमला होने वाला है उस पर, जानलेवा हमला। महेंद्र जी क्या बात है, खेल ही तो खेल रही थी ना बच्ची, पर क्या हुआ है? दादा हमारी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला। किसने कहा आपसे? वो बाबा कमली वाले, उन्होंने कहा था खुद हमसे, और आप जानती हैं उनकी कभी बात कभी झूठी नहीं होती। महेंद्र जी हो सकता है आपको समझने में कोई गलती हुई हो, मैं जानती हूँ वो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपने शायद कुछ गलत सुना, अरे हमारे सामने है, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि उसके बारे में चिंता करके कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। हमें चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, हम बाबा ने कहा है कि हमारी बेटी की जान खतरे में है, सूर्यास्त तक का समय भारी है उसके ऊपर।
लगता है कि आप शगुन है। ये संकेत है कि कोई अनहोनी होने वाली है, हमारी बेटी की जान खतरे में है। जब मेल मिलाप हो गया हो तो चलें, संध्या होने से पहले अंधेरा घिर जाएगा। दिन आजकल छोटे हो गए हैं, आओ। मैं जाती हूँ पापू। जाती हूँ नहीं बिटिया, आती हूँ बोल। मैं जाकर आती हूँ पापू। बड़ी मालकिन, राजा जनक और सीता वाली बात आप कभी किसी से कहना मत, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमें यही काम बचा है कि हम तुम लोगों के बारे में बातें करते फिरेंगे। वो कौन तुम? एक बार यहाँ से निकलने के बाद ना तुम्हारी शक्लें तक भूल जाएंगे हम। हमारे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ एक गुड़िया है। हैं जी हैं। ध्यान रखना पापू। तू भी मेरी बच्ची। मिल लो गले, ले लो पिता अच्छे से, क्योंकि यही तेरी आखिरी पिता है। इसके बाद ना तो तू कभी अपने नंद बाबा से मिल पाएगी और ना ही वासुदेव से, क्योंकि पिपरिया और सागर के बीच के सफर में हम तेरा खेल ही खत्म कर देंगे। जी जरा बताइए, ये महेन बचपन से ही ऐसा खिसका हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, खिसका विस्का नहीं है। छोड़ो यार वो सब, सुनो ना, हमें यार वो दिवाली की शॉपिंग करनी है, गुजारी समझी? आज तो हम ना खूब सारी शॉपिंग करूंगी है टूटो तक। चलिए जल्दी जल्दी पैसे निकालिए, जल्दी 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 निकाल। अरे यार हमने यही रखा था, टेडी कहाँ चला गया? यही तो होगा, खिलौना है टेडी, फिर कहाँ चला जाएगा यहाँ से? अरे यार हमें बहुत घबराहट हो रही है, तबाह हो जाएगी। ढूंढो इधर, नहीं मिल रही। पापा कहती है कि शेयर करो, केयर करो, इसलिए हमने अपना टॉयज उन किड्स के साथ शेयर किया जिनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। कौन सा टेडी? वो बड़ा सा ऐसा ब्लू वाला, वो है? हाँ। नहीं। निशान मिटा देंगे हम इस लड़की का और इससे जुड़े सभी सबूतों का, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे इस बात के बाहर आने की और ना किसी के हमें ब्लैकमेल करने की। आज के आज इस किस्से को खत्म कर देंगे हम। मुझे ऐसे पता नहीं क्या हुआ इनको, आज सुबह से आने टाइम बड़बड़ किए जा रही थी। जाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रही है, इस कूरी में
कुछ तो बोलो दादी। मतलब कि परी की दादी, सब ठीक है ना? है नहीं, पर होने वाला है। सब ठीक होने वाला है, बहुत जल्द। कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा। आप समझ नहीं रही, ठीक नहीं है कुछ भी। हमारा दिमाग ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। बस यही सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। पर आप ये तो बताइए, आप कर क्या रहे हैं? आज सूर्यास्त पहले का समय बहुत भारी है तेरी बेटी के लिए। आप नहीं समझेंगे। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसी तरह सूर्यास्त होने तक अगर हमने ये अनहोनी को टाल दिया तो सब ठीक हो जाएगा, खतरा टल जाएगा। बस उसी का प्रयास कर रहे हैं दादा। महेंद्र जी शांत हो जाइए, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे? हमारी बेटी हमारे आंखों के सामने बिल्कुल ठीक है, और हम लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए, कुछ नहीं होगा। अभी ठीक है ना, आगे का क्या? आप समझ नहीं रही, बाबा ने कहा है कि हमारी बेटी पर जान का खतरा है तो खतरा है। अरुणी जी, बाबा ने कह दिया और आपने मान लिया? अरे वो क्या भविष्य वक्ता है, हाँ आने वाला समय उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं क्या वो? हाँ, हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं, आप शायद भूल गई या फिर जानबूझ के बात को झुठला रही है, पर हम इस बात को अनदेखा अनसुना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी की जान खतरे में है तो खतरे में है, और हमने मान लिया। अब इसी खतरे को टालने के लिए हम महामृत्युंजय का जाप करेंगे अभी इसी वक्त। बाहर आ लड़की। जाकर काम है आपको परी की दादी? तुम काम तमाम करने आए हम यहाँ? अरे कुछ तो बोलो। चलो दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सीधी सीधी। अरे पर जाना कहाँ है? अंदर जंगल में आपका कोई रिश्तेदार रहता है क्या, जिसको आप मिलने जा रही हो? ओ अच्छा, वो तारा भाई। हमारे गांव में कहते हैं यहाँ बहुत भूखे शेर रहते हैं, वो किसी को भी कच्चा चबा जाते हैं, इसलिए कोई इधर नहीं आता, सब डरते हैं। तुम तो बड़ी बहादुर हो है? बहादुर हूँ पर बेवकूफ नहीं। सीधा सीधा कहो ना कि शेर से डरती हो। आप नहीं डरती? माता रानी वाले शेर की बात कुछ अलग ही होती है, वो मूर्ति होती है, पर असली शेर से कौन ही नहीं डरता। मैं तो टीवी में देखती हूँ, वहाँ भी डर जाती हूँ। अरे क्या कहाँ काम है आपको? जंगल से जड़ी बूटियाँ चाहिए हमें है? अरे दुकान में सब मिलता है, क्यों चाहिए वो सब वहाँ से ले लो ना, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, मेरा गांव में मुझे सब पता है। तो तुम गई हो कभी उस तरफ? गई नहीं हूँ, पर सुना है, बहुत डर लग रहा है मुझे। राम जी डरो मत, हम है ना है? आप क्या शेर से डिस्टर्ब करोगे क्या? नहीं ना, वो रानी नहीं है कि डांट के स्टोर रूम में बंद कर दोगे। शेर है शेर, कच्चा चबा जाएगा हम दोनों को। पापू कहते हैं कि जानवर
इंसान की गंध को बहुत जल्द सूंघ लेता है। शेर ने भी हमारी गंध सूंघ ली होगी, वो यहाँ ही आ रहा होगा। इससे पहले कि वो आ जाए और हमें खा जाए, मुझे उसका दही बड़ा नहीं बनना दादी, प्लीज। चलो मुड़ जाओ यहीं से। इस वक्त हम बहन जी को कुछ नहीं कह सकते, उन्हें जो करना है हमें करने देना चाहिए। बाबा जी ने भी तो कहा है, शायद बहन जी को कोई अंदेशा है तभी वो ये सब कर रहे हैं, उनका मन शांत नहीं है। हे भगवान, एक पिता की प्रार्थना सुन लीजिए। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे, उनकी बेटी की रक्षा कीजिए। तेरा मरना जरूरी है पापी गुड़िया, अगर मैं अपने हाथ खून से नहीं रंग सकती, इसलिए तेरी कुर्बानी का आधा गांव हमने इस जंगल के जानवरों पे छोड़ दिया है।